असलामुअलैकुम। अच्छा, हम लोग इस्लामाबाद आए हैं और ये हमने होटल दी मॉल जो है वहाँ पे हमने रूम बुक कराया था। तो मैंने सोचा आपको मैं इस रूम का रिव्यू भी देती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको लेना चाहिए नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये बेडरूम के साथ अटैच है, LED साथ लगी है और इस रूम में सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने की हुई है। तो हमने अपने बच्चों के लिए मैट्रेस डाल दी है यहाँ पर, तो ये देखें। और अच्छा कमरा है, लेकिन जो कर्टन्स है ना, कर्टन से मुझे बहुत शिकायत है, कर्टन्स बहुत गंदे हैं इनके। और सफाई जो है ना, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बेडशीट्स वगैरह भी बहुत नीट क्लीन नहीं है। और जो इसका बुकिंग हमने कराई थी वो 10,000 में करवाई है। इस रूम का जो रेंट है वो 10,000 है। और ये जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सिटिंग रूम है, यहाँ पर हमने अपने बच्चों के मैट्रेस लगा लिए थे। आगे बेडरूम है, तो ये देखिए ये बेडरूम है और अलमारी है साथ कबर्ड्स वगैरह। इसके भी जो कर्टन्स हैं ना, वो ये देखने कितने गंदे हैं, डस्टी, बिल्कुल कलर ही चेंज हुआ हुआ पड़ता है। जिस तरह उन्होंने दिया हुआ है कि रेंट 10,000 है उसके हिसाब से। तो बाकी फ्रिज है दोनों रूम्स में, दोनों में फ्रिज है। और हमें हीटर भी दिए हैं, जैसे कि हम जनवरी में आए हैं तो हीटर्स भी यहाँ दिए हैं। अच्छी खासी ठंड है। एक्चुअली ये पिंडी में है, दी मॉल इसका नाम है। और जब भी आप पिंडी इस्लामाबाद आएँ तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो इधर ही रूम बुक करवाते हैं। तो बाकी ये है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, रेंट ज़्यादा है इसका। और ये है कि जो रूम सर्विसेज हैं उसको, जैसे चाय ब्रेकफास्ट वगैरह वो नहीं आपको साथ मिलेगा, आप जो है ना आपको उसी पर पे करना पड़ता है, वो रूम चार्जेस साथ साथ वो पे करते रहते हैं। अभी मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना वॉशरूम के साथ जो है ड्रेसिंग रूम है, और बड़ा अच्छा जो सामने व्यू आता है, सामने जो है PC का आपको व्यू नज़र आएगा। कबरबिल्ली का जो PC है ना, ये है सामने। अब मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखाती हूँ। वॉशरूम जो है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, ये देखें, बहुत गंदा वॉशरूम है। और हमने तकरीबन दो तीन दिन हो गए हम फील करते हुए गर्म पानी का, कहते हुए कि भाई गर्म पानी दे दो, गर्म पानी आपको नहीं अवेलेबल होगा यहाँ पे। और ये सारा, ये देखिए आपको सब कुछ दिखा दिया मैंने। तो इंशाल्लाह आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।